our channel Helper Special. Today we have some speech tools which will help in speech development. This you can do at home as well, and there are so many tools which help in speech development. So have a look on this video. Hello everyone, myself Vikas Tripathi, मैं speech and language pathologist हूँ. आज हम discuss करेंगे oromotor exercise में जो tools use होते हैं. हमारे पास सबसे पहला tool है सेंसरी ब्रश, जिसको ओरल ब्रश भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये सेंसरी ब्रश है. और नाम से पता चला जो सेंसरी इश्यूज होते हैं ओरल के अंदर, जैसे सेंसिटिविटी होना, बच्चे के जो टंग मूवमेंट्स है वो क्लियर ना हो, और बच्चा पैलेट पे अपने टंग बार बार रख रहा है, साउंड निकालता है, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स यूज होते हैं. ये बेसिकली सेंसरी ब्रश है, तो नाम से पता चला कि सेंसरी प्रॉब्लम जो होती है इससे सॉल्व होती है काफी हद तक. तो ये हमने ग्रिप लगाया और नीचे से हमने ऐसे किया. इससे क्या होगा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसके अंदर साउंड नहीं है जो इरिटेट करता बच्चों को. जो जो सिंपल ब्रश होता है उसमें आप ऑन करेंगे तो साउंड आएगा जिससे बच्चा डर जाता है. तो इसका बेनिफिट यही है कि इसे साउंड लेस होता है, इसमें केवल वाइब्रेशन होती है. और इसका मल्टीपल यूज है, हम इसको माउथ के अंदर, चीक्स के पीछे, गम्स पे, टंग पे, पैलेट पे, जहां चाहे करेंगे. इससे क्या होगा, सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उस एरिया की सेंसिटिविटी कम होगी, तो बच्चे को जो ईटिंग पैटर्न है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. उसके अंदर जो सकिंग है, इनहेल करना, किसी भी चीज को अंदर ले जाना, स्ट्रॉ से पीना, वो सारी चीजें इंप्रूव होगा क्योंकि ये बैक सपोर्ट करता है. माउथ के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है, मान लीजिए हमारे दांत में अगर सेंसिटिविटी होती है तो हम खाने को ठंडा गर्म वो फील करते हैं, एडल्ट चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं, बच्चा वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता. इससे क्या होगा, उनका ईटिंग पैटर्न स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे खाते हैं या माउथ में ही रखते हैं. पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने च्यूइंग ट्यूब इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने काफी जो ओरल एक्सरसाइजेस कराई, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा. इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उनके तो सेंसरी इश्यूज पे काम नहीं किया गया. उसके लिए सेंसरी ब्रश यूज करना होगा. ये देखिए टिप लगी हुई है इसके अंदर, और मल्टीपल इसके वो है, आप देखेंगे अलग अलग सरफेस इस पे अलग अलग डॉट्स बने हुए. इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल फंक्शन जो होता है वो उस पे काम करता है. तो ब्रश को अंदर लेना है, साइड साइड में करेंगे, इस साइड करेंगे, गम्स पे लगाएंगे, मसूड़े में लगाएंगे, टीथ के ऊपर वाला ये जो पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इसे भी कर सकते हैं, टंग पे भी कर सकते हैं. सब जगह का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, सेंसिटिविटी कम होगी, तो बच्चे की ईटिंग पैटर्न अच्छा होगा, सकिंग अच्छा होगा, सॉल्विंग अच्छा होगा. जब वो बोलेगा एपरेक्सिया की कंडीशन में या सीपी की कंडीशन में या डाउन सिंड्रोम में, तो उनमें क्या होता है ना, बच्चे आर्टिकुलेटर्स अच्छे से मॉडिफाई नहीं कर पाते साउंड, उसको बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन. तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा अगर बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज हो. तो दूसरा हमारा टिप है वो मैं दिखाना चाहूंगा. देखिए दूसरा टिप के लिए हम क्या करें, यहाँ से लगाएंगे. इसका बेनिफिट क्या है मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. इससे पहले जो था हमारा वो सेंसरी इंडिकेशन के लिए था, ओरल के लिए. इससे क्या होगा, हम टंग एलिवेशन एक्सरसाइज करेंगे जो पैलेट पे जाता है, इसके बीच में बच्चे की टंग जाएगी और हम इसको बैंड करके ऊपर ले जाएंगे. बच्चे की टंग यहाँ आएगी ऐसे बीच में और उसको हम पैलेट के ऊपर ले जाएंगे. यहाँ वाइब्रेशन होता रहेगा, सेक होता रहेगा, तो बच्चा ज्यादा एंजॉय करके ये मूवमेंट्स कर लेगा. जनरली क्या होता है, आइसक्रीम स्टिक है या स्पून है उससे बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं होता और वो थोड़ा उसकी लिमिटेशन है. जैसे हर टूल की एक लिमिटेशन होती है, ये स्टैंडर्ड टूल है. इससे क्या होगा, टंग जो पैलेट पे जाएगा, जैसे ये मेरी टंग है और ये पैलेट पे जाएगी, इसके द्वारा अंदर के तो वाइब्रेशन होगा, तो बच्चे को अच्छा लगेगा. जैसे हमें भी अगर कोई मसाज या वाइब्रेशन चीजें मिलती हैं तो हमारे जो सेंसेशन होते हैं वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं. तो इससे बेनिफिट ये है कि एक पर्टिकुलर हमने टंग को यहाँ पर डाला और पैलेट पे ले लिया यहाँ, जिससे पैलेट का साउंड है टा ठा ड ड, ये साउंड का जो आर्टिकुलेशन वो क्लियर होगा, टंग की पूरी मूवमेंट ऊपर तक जाएगी, उसके बाद वाइब्रेशन के साथ जाएगी. तो बहुत बच्चे हैं जो अपने टंग को पैलेट पे रखते हैं, ऐसे साउंड भी निकालते हैं. तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उनके अंदर जो साउंड जो है, जिसे स्टीमिंग बोलते हैं, आम भाषा में लोग बिहेवियर इशू बोलते हैं, वो काफी हद तक कम हो जाएगा. तो इसका मल्टीपल बेनिफिट है, एक तो टंग एक्सरसाइजेस भी हो जाएंगे इससे पैलेट के स्पेशली, और उसके बाद से वाइब्रेशन सेक फॉर्म में रहेगा तो सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा. और बच्चे को सबसे बड़ा है कि वो काम डाउन होकर ये चीजें करा लेगा. और जो आइसक्रीम स्टिक है या और भी चीजें यूज होती है, जैसे चाट स्टिक यूज करते हैं, आइसक्रीम स्टिक है, स्पून है, उससे हमारी लिमिटेशन होती है. तो थर्ड हमारा जो हेड चेंज किया हमने, तो पहले सेंसरी ब्रश का था, फिर टंग एक्सरसाइजेस के लिए ये हमारा एक अलग है, ये लिख सकते हैं आप, इसको भी सेम ऐसे ही लगाना है. तो इस जो सेंसरी ब्रश है, वी पेन है, इसके मल्टीपल बेनिफिट है कि इसमें दो हेड थे, एक सेंसरी ब्रश का, एक टंग एलिवेशन एक्सरसाइज का, ये तीसरा हेड.
सेम ऐसे यहां से करेंगे। इसमें पहले भी बनाता है वाइब्रेशन होती है, बच्चे को अच्छा लगता है। ये जैसे फीडिंग बच्चे को करना है, फीडिंग जो छोटे बच्चे होते हैं फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, सक नहीं प्रॉपर कर पाते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म होता है ये सर्टिफिकेट। और इसको पर्टिकुलर हम नीचे टीथ के पीछे भी रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं रोल के बाद ये सरफेस छोटा हुआ है इसका। तो इसके मल्टीपल ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए टीथ है और मतलब दांत हमारे हैं और ये हमारा ये पोर्शन है, तो इसके बीच में जब ये जाएगा तो जो सलाइवा का सेंसेशन है, जो बच्चे थूक निकालते हैं, डाउन सिंड्रोम ज्यादा करते हैं, थूक कर देते हैं, या बहुत बच्चे कहते हैं कि ये बिहेवियर इश्यूज होता है कि किसी के सामने थूक कर देते हैं या थूक निकालते हैं, जो अलग अलग फॉर्म है उसका। तो बेसिकली हमें जो बताना है स्पेशली कि टीथ के पीछे वाला जो ये पोर्शन, यहाँ पे जब ये रोटेट होता है स्पेशली और ये पतला है ग्रिप है, तो उससे क्या होता है यहाँ की सेंसेशन कम होती है। और हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सेंसरी नीड फुलफिल कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं सेंसरी डाइट। एक होती है हमारे डाइट कि हमने खाना खाया तो हम कुछ देर तक रिलैक्स रहेंगे, उसके बाद जब हम सेंसरी डाइट की बात करते हैं तो सेंसरी डाइट से क्या होगा, बच्चे की आपने ब्रशिंग करा दी तो वो 7-8 घंटे 10 घंटे बिल्कुल ना के बराबर या कम करेगा, ऐसा नहीं कि हमने आज किया और नेक्स्ट डे नहीं किया। तो इन तीनों चीजों का जो ग्रिप लगाया हुआ है इसको डेली बेस पे यूज करना, कोशिश करें कि जब बच्चा स्कूल जाए, थेरेपी सेंटर पे जाए या किसी भी प्रोफेशनल के पास जाए, घर पे भी कोई थेरेपिस्ट आ रहा है, तो ये तीनों ग्रिपर वाली जो चीजें हैं आगे का जो हेड है वो चेंज करके उनके साथ इंट्रोड्यूस करें, जिससे उनके सेंसरी इश्यूज कम हो जाए, टंग एलिवेशन एक्सरसाइज हो जाए, और जिससे मैंने बताया अंदर टीथ के पीछे का सेंसेशन कम हो जाए, जो बच्चा थूके ना, आसपास जो बच्चे गलत बिहेव करते हैं जिसे बोलते हैं कि एंजाइटी हो गई या अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं किया गया या टेंशन सीखी गई, वो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर सेंसरी कॉज होगा तो इससे काफी हद तक खत्म हो जाएगा या ना के बराबर होगा। इसमें सेम वही करना है, पीछे मूव करेंगे वाइब्रेशन आएगा और टीथ और गम्स के बीच में अच्छे से करेंगे, और इसका शेप बहुत पतला हुआ है तो इसको हम अपर में भी ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद से लिक करने के लिए भी ऐसे टंग पे ऐसे चला सकते हैं, पेन की तरह टिप के पास भी लगा सकते हैं, ये टिप है इससे लगा सकते हैं ऐसे यहाँ से। तो अगर आप टंग की टिप ऐसे से करेंगे तो बहुत काफी सेंसेशन होगा, ये मैं फील कर सकता हूँ। आप जब ब्रश परचेज करेंगे तो आप भी अच्छे से फील कर सकते हैं, बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ओरो मोटर की जितनी भी सेंसरी इश्यूज हैं, मैं फिर से तीनों हेड को दिखा दे रहा हूँ। वन हेड ये है जो लगा हुआ है, ये टंग के लिए इंट्रोड्यूस होगा और ये सेंसरी ब्रश प्योरली है। तो इस ब्रश के मल्टीपल बेनिफिट है और बच्चे की सेंसरी इश्यूज इसमें ना के बराबर हो जाएगी जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो काफी इफेक्टिव है। और मैंने पर्सनली कई बच्चों पे इसको ट्राई किया, काफी अच्छा रिजल्ट हुआ है। तो आप आई थिंक आप ये परचेस कर सकते हो। सेंसरी ब्रश के बाद दूसरा जो मेजर टूल है हमारा, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, autism, learning disability, intellectual disability, down syndrome and other disorders at Holy Heart Special School in Dwarka Moor, Delhi. Learning today, leading tomorrow. ये tongue size के लिए use करते हैं। Simply therapist use करते हैं ice cream stick या फिर spoon use करते हैं, उसकी limitation होती है। ये tools जो design किए गए हैं ये universal standard point of view से हैं, जिसे इंडिया में all over world में ये tools use होते हैं। जैसे ये है, इसके माउथ के आगे बच्चे के लगाएंगे, माउथ के आगे ये इसके, उसके बाद ये जो बने हुए इसको टंग को ऊपर ऐसे ले जाना है, एलिवेट करना है, जैसे ये टंग के टिप से इसको आगे ले जाएंगे ऊपर की तरफ, अप साइड। ये एक फाइन मोटर एक्टिविटी होगी टंग की, जैसे हम कहते हैं किसी चीज को, हम बच्चे को टंग बोलेंगे ऊपर ले जाओ, लेकिन एक टूल्स के जरिए हम उस चीज को बच्चे को बताएंगे कि टंग को ऐसे ये ले जाना है, टिप से ये सेम ऐसे ही रखेंगे आगे की तरफ ऐसे लगा देते हैं। ये जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में या फिर जब वीडियो चलेगा इसमें इमेज भी रहेगी, तो उसमें अभी आप देख सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ऐसे लगाएंगे टंग आगे की तरफ और टंग की जो टिप से उसको मूव कर लेंगे हम यहाँ से, राइट लेफ्ट मूव करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिससे उसकी जो टिप की जो मूवमेंट्स है, जैसे ये आगे की तरह ऐसे करना, उसके बाद से नीचे किसी ऊपर ले जाना फ्लैग की तरह ऊपर की तरह, तो ये बच्चा एक टूल्स के द्वारा कर रहा है जो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और जो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। बाकी ये है, इसको नीचे लगाएंगे, टंग के नीचे रहेगा ऐसे, और नीचे से क्या होगा, टंग को सपोर्ट करेगा ऐसे, ये टंग को सपोर्ट करेगा और इससे हम आराम से उसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, पायलट पे ले जाएंगे। तो ये तीनों चीजें यूज होती हैं टंग एक्सरसाइजेस के लिए, और ये भी
वीडियो के लाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी साथ मिल सकता है, तो जिन लोगों को परचेज करना हो वहां से देख सकते हैं। थर्ड टूल हमारा जो है चूइंग ट्यूब, काफी लोगों को पता है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ चूइंग ट्यूब की अलग अलग स्टेजेस होती है, मतलब किस एज में किस चूइंग ट्यूब की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले से रेड है इसका जो ये चूइंग, ये आपका देखो जो प्लास्टिक यूज हुआ ये सॉफ्ट है, ये जैसे ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से ये सॉफ्ट है, तो ये चूइंग ट्यूब तब यूज करेंगे जब अर्ली स्टेज 3 साल का 2.5 साल का बच्चा है तो ये चूइंग ट्यूब करेंगे, क्योंकि इसको चूई करना बहुत इजी रहेगा। इस यहाँ पे लाके यहाँ इस पोर्शन को आगे रखेंगे ना कि इस पोर्शन, ये काफी हार्ड है, तो चूइंग ट्यूब में ध्यान रहे ये पोर्शन आगे रहेगा, बाइट करेंगे यहाँ से, ये पोर्शन देखिए आप। उसके बाद से हमारे पास होता है दूसरा चूइंग ट्यूब जो टी शेप का ही होगा, ग्रीन कलर का, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो आप वीडियो में देख बता देंगे दिखा के। उसमें भी सेम ऐसे ही करना, वो थोड़ा हार्ड होगा, इससे यहाँ से चुई करना है, टीथ के पास चुई करेंगे। तीसरा जो होता है वो ये ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का सबसे हार्ड होता है, जो एडल्ट यूज करते हैं या जो मोस्टली बच्चे 15 साल से ऊपर होते हैं, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चूइंग ट्यूब यूज होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। अर्ली स्टेज में रेड कलर का होगा, येलो कलर का यूज कर सकते हैं, मिड स्टेज में जब बच्चे की जो चूइंग स्किल इंप्रूव करने के लिए होगा वो ग्रीन कलर का होगा, जो एडल्ट है जिनका जॉ हार्ड है मतलब थोड़ा काफी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए फिर ब्लू कलर का होगा। ये वीडियो में ये सीक्वेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। फोर्थ टूल हमारा है, इसके मल्टीपल बेनिफिट है, इससे हम जो है माउथ ओपनिंग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका पूरा माउथ ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे माउथ ओपनिंग फॉर्म होगा, इस पे अलग अलग दानेदार टेक्सचर बने जो सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, माउथ में बच्चा लेके प्ले भी कर सकता है। और इसकी जो खासियत ये नीचे तक अगर माउथ में अंदर नहीं आ सकता, अगर बच्चा डेंजर प्रिवेंट करने के लिए है कि जैसे माउथ में ले अंदर अटक ना जाए, इसलिए ये बना हुआ है, ये इसको गले में भी डाल सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए इजिली हो जाएगा, एडल्ट के लिए बड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट है, इससे तो एक तो हम इसको फ्री कर सकते हैं, ऐसे डाल के मूव करेंगे, जो हम आइसक्रीम स्टिक से करते हैं उसका सरफेस छोटा होता है, उसको हम करेंगे तो बच्चे को स्टिक भी लग सकती है माउथ में, ये बिल्कुल प्ले वे में कर सकते हैं, साइड में लगाया और मूव किया, इधर यहाँ लगाया मूव किया, माउथ ओपनिंग फॉर्म में भी हो गया, इसको बच्चा पाइट भी कर सकता है, तो एज ए चूइंग ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका मेन बेनिफिट है वो टंग की मूवमेंट्स के लिए, लैटर जो इधर साइड टंग स्टेबल है उसको साइड मूव करना, ये तो राइट एंड लेफ्ट के लिए जो माउथ के अंदर परफॉर्म करना होता है उसके लिए बेनिफिट है, और इसको एलिवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट वाला टूल है, जो बच्चे इंजॉय भी करते हैं और इसको चूइंग भी कर सकते हैं, टंग मूवमेंट भी कर सकते हैं, और इसके लिए सेंसरी इश्यूज भी कम हो सकती है, लिक करना चाटने के लिए भी टंग से डॉटेड है काफी बच्चे को पसंद होगा, तो ये मल्टीपल बेनिफिट का टूल है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये टूल्स के फंक्शन भी समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको ये टूल्स खरीदने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और ऑर्डर कर सकते हैं, एंड आप इसको इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, ग्रुप पूरा बॉक्स भी खरीद सकते हैं, और पर्टिकुलर टंग एक्सरसाइजेस के लिए भी खरीद सकते हैं या फिर च्यूइंग ट्यूब के लिए भी खरीद सकते हैं, आप पर्टिकुलर जो भी आपको चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हेल्प फॉर स्पेशल। अगर आप हमसे कोई भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी टॉपिक चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करें हमें चैनल पे और बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे हमारी वीडियो चाहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।